विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने सिदौलीयों को उस समय फटकार लगाई जब वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दे सके। केंद्रीय राज्य मंत्री शनिवार को लखीमपुर जाते समय कुछ देर के लिए नगर सिदौली स्थित अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर ठहरे हुए थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होने के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गौशाला, सफाई सहित अन्य योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सिदौली नगर पंचायत यो बबलू कुमार से जानकारी लेते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है ना, जानकारी नहीं है ना, मतलब ईओ कब से हो आप, कितने दिन से? 2018 से। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या है मालूम है बताइए जरा। सर इनको सर जो वेंडर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, उसके बाद सर उनका बैंक से लोन दिलाते हैं। कितना देते हैं? 10,000 का लोन देते हैं। फिर उसके बाद? उसके बाद सर उनको मतलब इंस्टॉलमेंट पे सर वापस करना होता है। फिर उसके बाद? उसके बाद में सर अगर वो समय पे जमा कर देते तो उनका सर 20,000 का लोन हो जाता है। फिर? फिर उसके बाद? उसके बाद सर 20,000 करने बाद में सर उन पे एक आईडी दी जाती है और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए सर उनको कहा जाता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। फिर क्या होता है 20,000 के बाद? 50,000 नहीं मालूम ना, क्यों बोले बीच में? पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था क्या? अरे साहब कहाँ बताया गया बोलने के लिए? आप नौकरी करते हो क्या यहाँ? अरे मंत्री की पूछ रहे हैं तो बात करें यार। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आप एक अधिशासी अधिकारी के पद पे, पहली बात तो विंटर जोन में जितने लोग हैं उन लोगों की मीटिंग करिए, मीटिंग करके उनको स्कीम के बारे में बताइए। समय से वो जमा कर देंगे तो उनको ब्याज नहीं पड़ेगा और फिर उनको जो है 20,000 का उनको बगैर ब्याज का लोन मिलेगा। वो समय से जमा कर देंगे तो फिर वो 50,000 का उनको लोन मिलेगा बगैर ब्याज का। ये स्कीम है और डिजिटल ट्रांसफ़र करने के लिए तो उसी दिन रोज़ का रोज़ करना है उनको। तो अगर उनकी कोई मीटिंग नहीं की, आप 3 महीने से आ गए, इसके पहले कहाँ थे, वहाँ पर क्या किया होगा भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर आकर के सही काम करिए। और ये बैठक कल हो जानी चाहिए विंटर जून की। अध्यक्ष जी, जी आप लोग रहेंगे? जी, आप लोग भी रहेंगे? ठीक जी। बैठक तो कल हो जानी चाहिए, जो विंटर जून में जितने लोग हैं उनकी 556 लोगों की एक बैठक आप बुला करके उनकी करेंगे। उसमें कितने किसने लोन लिया, किसने 10,000 लोन लिया, कब लिया और उसने अभी तक अदा किया कि नहीं अदा किया, 20,000 की श्रेणी में अभी आया कि नहीं आया, इसकी रिपोर्ट डे टू डे जानी है। और मैं इसका मिनिस्टर हूँ, मुझसे रिपोर्ट पूछी जाएगी कि आपकी लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके का है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। कल डिटेल चाहिए मुझे शाम तक इसकी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कसमंडा, गुंदलामऊ, पहला आदि ब्लॉकों से आए ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में ब्लॉक के अधिकारियों से बात की और समस्याओं के निवारण के लिए निर्देश भी दिए। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर कहा कि जब वो भाजपा में थे तब तक ऐसे बयान नहीं दिए, अब उनके मन में क्या है वही जाने। इस मौके पर सिधौली भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, बच्चे प्रसाद वाजपेयी, पुष्कर गुप्ता, आलोक तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नशा समाज के लिए अभिशाप है, अंग्रेज हमें नशा देकर गए, आज युवा पीढ़ी नशे से तबाह है, लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। नशे के दुष्परिणामों को गिनाते हुए ये बातें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कस्बा कमलापुर में कही। नशा मुक्त अभियान कौशल का के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर का दर्द छलक पड़ा। नशे के सेवन से असमय काल के गाल में समा चुके अपने बेटे आकाश किशोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा छुप छुप कर शराब पीता था, 28 वर्ष की अल्पायु में उसका निधन हो गया। सांसद ने कहा कि उनकी बहू श्वेता 3 साल बाद भी करवा चौथ का व्रत रखती है। उन्होंने संकल्प लिया है नशा मुक्त समाज बनाने का। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को किसी भी तरह का नशा न करने का संकल्प दिलाया।
इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र पंचायत निधि से करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।